दिल्ली के दरियागंज में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 15 आरोपियों में से 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर 30,000 कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस। 28 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई। बीजेपी नेता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने CAA पर सवाल उठाए। पूछा, CAA जब किसी धर्म से जुड़ा नहीं है तो इसमें केवल हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई, पारसी और जैन ही क्यों शामिल है? मुस्लिमों को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? झारखंड विधानसभा चुनाव में JMM कांग्रेस RJD गठबंधन को बहुमत से ज्यादा सीटें। JMM और कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज 27 दिसंबर को। हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ी जीत पर हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी, लालू यादव समेत सभी कांग्रेस नेताओं को शुक्रिया कहा। बोले, उम्मीदें किसी की नहीं टूटेंगी, भले ही लोग किसी भी जात, मजहब या पेशे से जुड़े हों। झारखंड में नहीं चला मोदी शाह की जोड़ी का जादू। मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई मंत्री चुनाव हारे। हार के बाद रघुवर दास का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। कहा, ये हार मेरी, पार्टी की नहीं। दिल्ली में आग लगने का सिलसिला जारी। आज नरेला में एक जूता फैक्ट्री समेत 2 फैक्ट्रियों में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का विरोध। छात्रों ने गाड़ी का घेराव कर राज्यपाल को काले झंडे दिखाए। विमान कंपनी बोइंग ने खामियों को नजरअंदाज करने के आरोप में CEO डेनिस मिलनबर्ग को कंपनी से निकाला। और श्रीलंका के खिलाफ T20 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान। शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह की वापसी।